बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिजनेस प्लस स्पेशल के साथ मैं हूं मजिया खान। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस करने की कोशिश करेंगे। विद इन टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चंक जो है टेक्सटाइल सेक्टर का वो गारमेंट सेक्टर की तरफ से जो है वो आता है। और उसमें एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, उसमें भी मेजर चंक जो एम्प्लॉयमेंट का निकलता है वो गारमेंट सेक्टर से ही निकलता है। तो इन लोगों की बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बजट को लेके इनके क्या कंसर्न्स हैं, उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इनके व्यूज़ जानेंगे बजट को लेके, क्या वो ओवरऑल गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसके अलावा पर्टिकुलरली अपने सेक्टर्स में क्या चेंजेस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सर शहज़ाद सलीम साहब के साथ, ये चेयरमैन सेंट्रल हैं प्रेगमा के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? टेक्सटाइल के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए आज आए हैं, बजट के ऊपर, बजट आने वाला है टेक्सटाइल के ऊपर। आपसे ओवरऑल थोड़ा सा व्यू जानना चाहूँगी कि आप करंटली आप कौन सी थ्रेड्स देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, करंटली जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो फेस कर रहा है। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी थ्रेड्स हैं, कुछ इंटरनल हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं। इंटरनल थ्रेड्स का तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि देयर इज नो गैस, इलेक्ट्रिसिटी इशूज़, पॉलिटिकल फ्रंट पे इशूज़ हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, टेररिज्म है, ये सारे हमें इम्पैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट की इतनी बोरोइंग है, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग क्राउड आउट हो रही है, तो वो एक और इंटरनल थ्रेट है। एक्सटर्नली हमें थ्रेट्स ये हैं कि जी हमारे कंपेटिटर्स के पास अन लेवल प्लेइंग फील्ड्स हैं, दे हैव ड्यूटी एडवांटेजेस टू यूरोपियन यूनियन, कैनेडा, यूएस, ये हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनके साथ हम तकरीबन 91-92% ऑफ द गारमेंट एक्सपोर्ट जो है, या टेक्सटाइल कह लें, ये इन्हीं दो रीजन या तीन रीजन में जाती हैं। अच्छा शहज़ाद साहब, माना जाता है कि 38% अप्रॉक्सीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल सेक्टर के थ्रू जो है वो आती है, लेकिन हम टेक्सटाइल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो 60% से ज़्यादा हो नहीं पाती है कैपेसिटी की। अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है इन अपकमिंग बजट आपके लिहाज से? देखें, इसमें फिर वही बात है, 38% एम्प्लॉयमेंट है टेक्सटाइल सेक्टर के पास। इसमें से मैं एक वजाहत कर दूं कि गारमेंट्स में उसका 40% है। सो गारमेंट्स इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री एज अ सेक्टर एंड इट शुड बी प्रमोटेड। जहाँ तक एफिशिएंसी इंक्रीज की बात है, देखें अभी 60% 70% इसलिए चल रहा है बिकॉज आपका फिर वो एनर्जी का बहरान है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब तक आपने ये एड्रेस भी कर लिया, आप थोड़ा अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड फिर करें अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, जिसमें यूरोपियन यूनियन आ जाता है, एज आई सेड पहले भी, अमेरिका, कनाडा वगैरह, चाइना, इंडिया, इनके साथ आपको लेवल प्लेइंग फील्ड्स क्रिएट करें, एनर्जी का बहरान को हल करें, तो आई गारंटी यू कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी इस मुल्क में बेहतर होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगी और ओवरऑल द कंट्री विल स्टार्ट टू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। शहज़ाद साहब, ऐसे क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे कोई स्टेप्स हैं जो आप प्रोमिनेंटली यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो अपकमिंग बजट में आपको स्पेसिफिकली कोई स्टेप आप देखना चाह रहे हैं, कोई एलोकेशन आप देखना चाह रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, और जो आपने प्रपोजल भी सेंड किया हुआ? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत सारा पैसा स्टिल स्टक विद द गवर्नमेंट। ये हमें जो DLTL की मद में इन्होंने हमसे पैसा लिया हुआ है वो उन्होंने हमें वापस करना है, और ये 2010 का है, वो कोई 17 से 20 बिलियन रुपीज़ है, तो पहले तो ये उनको वापस करना है फौरन। प्लस टेक्सटाइल जो पॉलिसी है हमारी, जो ड्राफ्ट हुई थी 2007 में, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, उसको इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें, उसकी फंडिंग करें। सो आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 35-40 billion रुपीज़ टू बी एलोकेटेड इन दिस बजट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर टू मेक इट वायबल एंड प्रॉफिटेबल। थैंक यू सो मच शहज़ाद साहब, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लोगों ने शहज़ाद सलीम साहब से यहाँ बात की थी, अब हम मैं चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे बात करें, उनसे जाने कि उनका क्या रद्द अमल है, क्या वो बजट के बारे में जानते हैं, और जो भी मिनिमम सैलरी उनको दी जाती है क्या उससे सेटिस्फाइड है, और उनका घर का खर्चा उससे चल पाता है आराम से या नहीं। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। आप कब से गारमेंट इंडस्ट्री में जो है वो काम कर रही हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से आप काम जी कर रही हैं। हर साल बजट आता है आप देखती हैं? जी हर साल बजट आता है, लेकिन जिस हिसाब से बजट आता है ना उस हिसाब से सैलरी नहीं होती। अच्छा, बजट जब आता है, जब आप देखती हैं बजट में, आपको क्या लगता है कि आपके लिहाज से बजट आपके लिए बना हुआ है या बजट, ये बजट किसके लिए होता है? ये बजट सभी के लिए होता है, लेकिन बजट के अंदर महंगाई के बारे में ही बताया जाता है ना कि भाई महंगाई तकरीबन बढ़ती है हर दफ़ा, सालाना महंगाई बढ़ती है ना, कम तो नहीं होती, लेकिन सैलरी इतनी आसानी से नहीं बढ़ती,
जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, थोड़ा सा और आगे भी जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि बजट के बारे में, वो बजट को समझते किस तरह से हैं, बजट में उनके लिए क्या मौजूद है, इनसे बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबाना बेग। शबाना, आप कब से गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? 20-22 साल से गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। अच्छा, बजट के बारे में पता है कि बजट आता है? बजट तो आता है, पर वो गरीब आवाम के लिए नहीं आता, वो तो किसी अमीरी लोगों के लिए आता है। जो बिजनेस मैन है उन्हीं के लिए आता है, गरीब आवाम के मफाद में तो नहीं होता। गवर्नमेंट तो कहती है कि अवामी बजट आ रहा है, आवाम के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। आवाम सिर्फ बिजली का बिल भरना, पानी के टैंकर डलवाना, और इसी हिसाब में पिस रही है आवाम। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम, आप क्या करते हो? मैं यहाँ पे शेडिंग करता हूँ। कितने सालों से काम कर रहे हो? 2.5 साल हो। बजट के बारे में पता है, बजट क्या होता है? जी, गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर साल, होता है गवर्नमेंट जो बजट ला रही है, वामी बजट ला रही है, कुछ पता है उसके बारे में? जी पता है। किसके लिए आता है वो? पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए। देखिए, महंगाई तो इतनी चल रही है, लेकिन सैलरी वगैरह हम लोगों की जो है ना बहुत कम है, उसमें गुजारा ही नहीं होता। लेकिन ये कि लगे हुए ओवर टाइम वगैरह लगाते हैं उसमें। कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। भी जो बजट आने वाला है गवर्नमेंट का, वो आपके लिए आ रहा है? बजट अगर आ रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी हमारी सैलरी नहीं, जितनी हमारी सैलरी बढ़ती है उससे ज़्यादा तो महंगाई हो जाती है। नासिर, यहाँ पे हमने कुछ मजदूरों से बात की, उनसे जाना कि वो बजट के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं। अगर हम थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करती हूँ उनकी, तो आधे मजदूरों को यहाँ पे पता भी नहीं कि बजट उनके लिए आता है या नहीं आता है, और ना ही उनको किसी किस्म की उम्मीद है इस आने वाले बजट से, क्योंकि या फिर इस हुकूमत से। ये बात करने के बाद जो है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जोनल चेयरमैन जो हैं प्रेगमा के, उनसे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हम मौजूद हैं अतीक अहमद खुशा साहब के साथ, और खुशा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो उसकी पॉलिसी एक आई थी 2007 में, आई गेस, उसका कैसा फ्रेमवर्क आप देखते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी उसके अंदर आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमने एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी 2007 में। अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिसी का एक क्लॉज भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इट वॉज अ वेरी गुड पॉलिसी, बेहतरीन उसमें रोड मैप था हमारे लिए, हमारा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ज़रूरत अब इस बात की है कि उस जो फ्रेमवर्क मौजूद है उसको जो आज के हालात के हिसाब से अडेप्ट करके उसे इम्प्लीमेंट कराया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोवाइडेड गवर्नमेंट की जो अभी कैपेसिटी है, आपको क्या लगता है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले बजट से, कि अपनी कैपेसिटी के अंदर गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को? देखिए, बजट के अंदर हमें जो है ना टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए, और हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हैं और उनको एड्रेस करना चाहिए। इन दो को फिर फर्दर हमें सब बाइफरकेट करना चाहिए इस तरह कि जो इमीडिएट हैं उनको हमें एड्रेस करना चाहिए, और फिर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए। डोमेस्टिक के अंदर जो हमारे इश्यूज़ हैं जिसको, और उनमें वो इश्यूज़ को देखना चाहिए जिसको हम टैकल कर सकते हैं, जिनका हमारे पास हल है। जिन चीज़ों का हमारे पास हल नहीं है उस पर टाइम लगा के ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा अतीक साहब, क्योंकि बजट की यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो बजट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स आपको लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास मौजूद हैं जो गवर्नमेंट को कंसिडर करने चाहिए और उनको सपोर्ट आने वाले बजट में जो है वो करना चाहिए? देखें, एज फार एज बजट एलोकेशन आर कंसर्न, तो हमारी जब ये गवर्नमेंट की जो ये प्री बजट मीटिंग्स होती हैं और जो एलोकेशन वगैरह जिसमें डिसाइड होती हैं, उसमें ये सारे जो फिगर्स लिए जाते हैं वो जो ये MFN स्टेटस है, या जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के पैकेजेस मिलने हैं, या जो भी ट्रेड की चीज़ें होनी हैं, उसके बेसिस पे लिए जाते हैं। वी शुड बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन दोज एस्टिमेट्स, बिकॉज ये अभी कोई पता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ इसकी होंगी क्या। तो अगर हमने आज ज़रा ज़्यादा जेनरस किस्म के लोकेशन बना लिए या प्रोजेक्शन बना ली, दे विल नॉट बी हैपनिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ऊपर मजीद प्रेशर आ जाएगा, आपका ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, आपका ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो मजीद बढ़ेगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन दिस, तो इसका हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी टेक्सटाइल सेक्टर के
जो भी कंसर्न्स आने वाले बजट को लेकर वो आप तक पहुँचाएँ। और उसके अलावा हमने ऑन दी अदर हैंड कोशिश की थी कि जो मजदूर हैं यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि कहा जाता है, जैसा मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कोट किया था, कि मजदूर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान की अराउंड 38% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के थ्रू आती है, तो वो लोग बजट में क्या सीख करते हैं, बजट से लेकर उनके क्या व्यूज़ हैं, वो भी आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की थी यहाँ पर। अगर उनकी कंक्लूड करने जाते हैं तो उनको ज़्यादा कंसर्न जो है वो नज़र नहीं आता बजट साथ, क्योंकि उनका मानना यही है यहाँ पे मजदूर आवाम का यहाँ पर, कि जो भी बजट यहाँ पर गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करती है वो गवर्नमेंट कंसर्न्स तक ही महदूद रहता है और उनके रिलीफ से रिलेटेड कोई काम जो है उनको नज़र नहीं आता है। ऑन दी अदर हैंड टेक्सटाइल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से हमने जब बात की है यहाँ पर, तो उनका भी यही मानना है कि इस सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो मौजूद है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, प्रोवाइडेड इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो इंप्लीमेंट की जाएँ और जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ मौजूद हैं उनको भी जो है वो अमल में लाया जाए, ना कि सिर्फ वो पेपर वर्क तक महदूद रहें। इसके साथ ही वजिया खान को और बिजनेस प्लस की पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।